होली की आत्मा। बचपन से शहर में रहने वाला मनोज इस साल होली की छुट्टियों में अपने गांव दुर्गापुर वापस आता है, जहां उसे देख पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। जब गया था तब इतना सा था, और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ सरपंच जी, जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे, और अब देखो कितने बूढ़े हो गए हैं आप। चलो चलो, बढ़िया है, बच्चा घर वापस आ गया, इसी खुशी में आज रात पार्टी होगी। क्या बात है, गांव में भी पार्टियां होने लगी। वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते हैं? होली पार्टी की बात सुन चहल पहल में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख मनोज को कुछ अजीब लगता है। लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है। अब बहुत देर हो गई, चलो सब अपने घर चलो, पार्टी के बारे में कल सोचेंगे। मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है, पर होली पार्टी और उस पर पूरे गांव की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं। पापा, होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे? अरे होगी उनकी कोई अपनी बात, मुझे गांव की पंचायत ही थोड़ी पता है। थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल बात करते हैं। पापा की बात मानते हुए मनोज भी सोने चला जाता है। आज तो छुपा लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब होली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगे? अगली सुबह सूरज के साथ ही मनोज भी गांव घूमने निकल जाता है, जिस पर रास्ते में उसे अपनी ही उम्र के कुछ लड़के भी मिलते हैं, जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और होली नजदीक आने लगती है। दोस्तों, होली में 4 दिन ही बचे हैं, पर गांव में उसकी कोई तैयारियां क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ होली नहीं मनाई जाती। अरे पर ऐसा क्यों? वो राजा भूषण, अरे तुम 4 दिन के लिए आए हो, क्या इतना सोच रहे हो, चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ एक बार फिर होली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है। वो घर पहुंचते ही इंटरनेट पर अपने गांव और राजा भूषण के बारे में जानकारी निकालने लगता है। क्या, मुझे आज तक ये नहीं पता था, ऐसा कैसे, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गांव वालों या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछे बिना खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छानबीन करने लगता है, जिसके चलते वो राजा भूषण की हवेली में पहुंचता है। वाओ, क्या हवेली है यार, पर क्या यहाँ सच में कोई भूत है? हेलो भूत जी, कोई है क्या? हम इस साल गांव में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप उस पर थोड़ा इंटरव्यू देंगे? मनोज के ऐसा बोलते ही गांव में तूफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीजें हिलने लगती है। एक अदृश्य शक्ति मनोज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है। क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया? मेरे होते हुए इस गांव में कभी होली नहीं मन सकती, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गांव वापस आ जाता है, जहां तूफान की वजह से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। आखिर ये तूफान आया कैसे? ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहार मनाने की बात की थी। सरपंच की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गांव में निकल जाता है, लेकिन गांव पूरी तरह खाली होता है। अरे त्योहार का दिन है, धूमधाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है? मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खिड़कियां खोल के घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। तुझे पहले भी समझाया था, अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बात मान लो बेटा, तुम्हें सच नहीं पता। मुझे सब पता है, सालों पहले इस राजा ने एक अंधविश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो। अरे बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गांव पर होली का श्राप है। अगर गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है। राजा भूषण इस सब में नहीं मानते थे,
और त्योहार मनाने लगे, जिसके चलते होली वाले ही दिन पहले उनके बेटे की और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव की रक्षा के लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है। सबकी बातें सुन मनोज उलझन में पड़ जाता है। सोचना भी मत मनोज, अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गांव और गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतु की बात को मानकर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरह मनाते आ रहे हो। मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गांव में रंग बिखेर देता है, जिसके तुरंत बाद वहां तूफान के साथ बिजलियां गरजने लगती है। अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कंफ्यूजन में आ जाता है, वहीं गांव वाले डर से सहम जाते हैं। इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों के लिए यहाँ होली मनाई है, जिस वजह से अब इस गांव पर होली का श्राप टूटता है। ऐसा बोलकर राजा का भूत वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। खुशियों के रंग गांव में बिखरे ही होते हैं कि अगली सुबह अचानक मनोज कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गांव में होली का नया राज शुरू हो जाता है।